दोस्तों महेश सागर चैनल में आपका स्वागत है आप हमारे चैनल को अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में वे लाइकन घंटी भी आप दबा दीजिए ताकि हम आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न बता सकें आप भी अपनी एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें तो देखिए जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है अब क्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए यह आड़युक्ता से किस प्रकार निम्न भिन्न है एक उदाहरण देकर समझाइए देखिए पूछा गया है ये सत्तर में सोलह में अठारह उन्नीस में भी आ सकता है उन्नीस में आ सकता है उदाहरण देते हुए रासायनिक अब क्रिया की कोटि तथा आड़युक्ता में अंतर स्पष्ट कीजिए ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसको भी आप देखते जाइए अब क्रिया की कोटि किसी अब क्रिया की दर समीकरण में व्यक्त अविकार अभिकारकों की सांद्रता सांद्रता पदों की घातों के योग उस अव क्रिया की कोटि कहलाती है देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए अब क्रिया की कोटि किसी अव क्रिया की दर समीकरण में व्यक्त अविकारकों की सांद्रता पदों की घातों के योग उस अव क्रिया की कोटि कहलाती है देखिए एच टू प्लस सी एल टू है तो ये बन रहा है टू एच सी एल एस टू प्लस सल टू बन रहा है टू एच सी एल ठीक है अभिक्रिया की अणुक्ता तथा कोट में अंतर देखिए अभिक्रिया की अणुक्ता क्या है यह एक सैद्धांतिक मान होता है जिसे अविकारक के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है यह क्या होता है यह एक सैद्धांतिक मान होता है जिसे अभिक्रिया के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है इसमें अभिक्रिया की कोट में यह एक प्रायोगिक मान होता है जिसे वेन वेन समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के योग द्वारा ज्ञात किया जाता है

ऋणात्मक धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है ठीक है तो इस प्रकार यहाँ ये अब आगे देखते हैं इसमें उदाहरण देखिए इसका सी एस थ्री सी डबल ओ सी एस थ्री एस टू जब हो रहा है क्रिया देखिए सी एस थ्री सी डबल ओ एच और सी एस थ्री वो बन रहा है देखिए मेथिल ठीक है इसमें जो है मेथिल एसीटेट के अमली माध्यम में जल अवघटन की अभिक्रिया में जल की अधिकता अधिक में है अर्थात इसमें जल के साधन में कोई परिवर्तन नहीं होता है इस सब क्रिया की कोटि एक है ठीक है अब इसमें देखिए जो है कह रहा है कि मेथिल एसिडेट के अवली माध्यम में जल अवघन की अभिक्रिया में जल के जल अधिक में है अर्थात इसमें जल के असाधारण में कोई परिवर्तन नहीं होता है इस सब क्रिया की, की कोटि एक है जबकि अभिक्रिया में जल तथा एथिल एसिटेट के एक एक अणु भाग ले रहे हैं अतः इसकी अणियोगता क्या है तो है अब देखिए अगला प्रश्न आता है ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये अविक्रिया की गति निम्नलिखित द्वारा कैसे प्रभावित होती है पहला अभिकारक साध के परिवर्तन पर दूसरा ताप के परिवर्तन पर तीसरा उत्प्रेरक की उपस्थिति पर ठीक है तो ये किसके द्वारा जो है प्रभावित होती है अभी आइए जान लेते हैं देखिए पहला अभिकारक साध के परिवर्तन पर अभिकारक अभिकारकों की सान्द्रता निश्चितता पर अभिकारकों की सांद्रता वृद्धि करने पर अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है इसका कारण यह है कि रासायनिक अभिक्रिया अणुओं के मध्य प्रस्पष्ट टक्करों के द्वारा संपन्न होती है देखिए अभिकारकों की सांद्रता निश्चित तौर पर अविकारकों की सांद्रता वृद्धि करने पर अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है इसका कारण यह है कि रासायनिक अभिक्रिया अणुओं के मध्य प्रस्पष्ट टक्करों के द्वारा संपन्न होती है तथा इकाई आयतन में अभिकारक अणुओं की संख्या में वृद्धि होने पर अणुओं के मध्य टकरों की संभावना में वृद्धि हो जाती है ठीक है अणुओं के मध्य टक्करों की संभावना में वृद्धि हो जाती है फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है अभिक्रिया का वेग समान अभिकारकों का सांद्रण ठीक है अब देखिए ताप का परिवर्तन ताप के परिवर्तन पर देख लीजिए क्या है कह रहा कि ताप सामान्यतः ताप वृद्धि पर अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है ताप सामान्यतः ताप वृद्धि पर अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है क्योंकि ताप वृद्धि से सक्रिय अणुओं का अंश बढ़ता है किसी अवक्रिया के 10 डिग्री सेल्सियस के अंतराल वाले दो तापों पर वेग स्थिरांकों का अनुपात अभिक्रिया का ताप गुणांक कहलाता है ठीक है कह रहा है कि ताप सामान्यतया वृद्धि पर अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है क्योंकि ताप वृद्धि से सक्रिय अणुओं की अंश बढ़ता है किसी अभिक्रिया के दस डिग्री सेल्सियस अंतराल वाले दो तापों पर वेग स्थिरांकों का अनुपात अभिक्रिया तागुड़ांग कहलाता है देखिए तागुड़ांग के म्यू बराबर टी प्लस दस डिग्री सेल्सियस बटा टी डिग्री सेल्सियस ठीक है ऊपर पर है ठीक है यहाँ केप पैंतीस डिग्री सेल्सियस हो रहा है और नीचे केप पच्चीस डिग्री सेल्सियस अधिकांश सामाग्री अभिकारकों में दस डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अब क्रिया का दर लगभग दोगुना हो जाता है दस गुना ताप बढ़ाने पर जो अब क्रिया का दर लगभग दोगुना हो जाती है उत्प्रेरक की उपस्थिति पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में सामान्यता क्रिया का वेग बढ़ जाता है उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है समान्यता क्रिया का वेग बढ़ जाता है क्योंकि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अब क्रिया की संकीर्ण ऊर्जा ये का मान कम हो जाता है जिसमें संकृत अणुओं का अंश बढ़ जाता है इस प्रकार इस वीडियो को खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो सभी लोग जो है केमिस्ट्री में अच्छे नंबर से पास हो सके और आपका एग्जाम भी जो है मंगलमय हो नमस्कार दोस्तों धन्यवाद